हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति, जिसमें सबसे पहले जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में एक छोटा सा जो है वो इन्फॉर्मेशंस दिया गया है, और उसके बाद जो है वो चैप्टर्स को स्टार्ट किया गया है। दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बिगनिंग जो है वो कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बिगनिंग जो है वो 14 जुलाई 1789 को मानी जाती है। 14 जुलाई 1789 को जो है एक ऐसा र्यूमरस जो है शहर में फैला, जिससे लोगों के मन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा भय जो है वो पैदा हो गया। र्यूमरस यह था कि जो वहाँ का राजा लुई 16 था, उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर कर दिया कि टाउन में जाएं और लोगों पर जो है वो अंधाधुन फायरिंग करने वाले हैं। यह एक र्यूमरस था, और इसके कारण जो है वो सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो पेरिस शहर से निकलकर वात्साइल फोर्ट्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगे, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि वात्साइल फोर्ट जो था एक प्रिजंस था, जहाँ पे कैदियों को जो है वो बंद करके रखा जाता था। और इस घटना के कारण जो है वो जब लोग वात्साइल फोर्ट पहुँचे तो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा राजा के अगेंस्ट जो है वो गुस्सा था, और गुस्सा के कारण लोगों ने जो है वो वात्साइल फोर्ट को जो है वो डैमेज कर दिया, और वहाँ पर जो भी कैदी बंद थे उन कैदियों को जो है वो रिलीज कर दिए, वहाँ छोड़ दिए उन्हें, और जो भी कुछ आर्म्स वगैरह वेपन्स वगैरह मिले उसको अपने कंट्रोल में लेकर राजा के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए लोग रेडी हो गए। यह जो है वो घटना 14 जुलाई 1789 को जो है वो फ्रांस के पेरिस टाउन में होती है, और वात्साइल फोर्ट के जो है वो नष्ट होने के साथ ही जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बिगनिंग जो है वो मानी जाती है। लेकिन ये रिवॉल्यूशंस यहाँ से तो बिगनिंग ज़रूर हुआ, कारण क्या था? केवल र्यूमरस राजा का जो था उसके कारण ही लोगों ने जो है वो राजा के अगेंस्ट हथियार उठाने का प्रयास किया या कोशिश किया, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इससे पहले जो है वो इस घटना को जानने से पहले जो है वो फ्रांस के कुछ इतिहास को जो है वो जानना ज़रूरी होगा, यानी कुछ वर्ष पहले जो है वो फ्रांस में क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, उन चीज़ों को जो है वो जानना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है, जो आता है आपको फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कैसा था, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। 1774 में जो है लुई 16 जो बोर्बन फैमिली का था, वह जो है वो 20 वर्ष की उम्र में जो है वो फ्रांस का राजा बनता है, और ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से मैरी एंटोनी से जो है वो मैरिज करता है। जब वो फ्रांस का राजा बनता है उस समय फ्रांस की ट्रेजरी जो होती है वो ट्रेजरी जो है वो कम्प्लीटली खाली होती है, यानी वहाँ का जो खजाना होता है राजा का वो खाली होता है। राजा का खजाना खाली होने के पीछे जो है वो कारण यह था कि वहाँ का जो राजा था लुई 16, उसने जो है वो अमेरिका के कॉलोनीज़ को जो है वो मदद किया था इंडिपेंडेंट होने में, और इसी के कारण जो है राजा की कुछ अपनी खुद की अय्याशियाँ भी थी, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो सर्वाइव करता था, और इस वजह से जो है वो राजा के ऊपर तकरीबन 2 बिलियन लिब्रास का जो है वो कर्ज भी था, लोन भी था, और उस पर 10% इंटरेस्ट भी जो है वो राजा को देना पड़ता था। इससे जो है वो राजा काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, और इस सिचुएशंस को देख कर जो है वो राजा चाहता था कि वहाँ पर जो है वो टैक्स बढ़ाया जाए, और टैक्स बढ़ाकर जो है वो लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाए और नीड्स को पूरा किया जाए। फ्रांस सोसाइटी की बात की जाए तो फ्रांस की सोसाइटी जो है वो 3 वर्गों में विभक्त थी, यानी 3 क्लासेस में बटे थे, जिसे हम फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेट में जो है वो सिलर्गी आते हैं, सेकेंड स्टेट में नोबेल्स क्लास के लोग आते हैं, थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग आते थे। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को जो है वो स्पेशल स्टेटस था, और कुर्थ बर्थ प्रिविलेजेस भी लोगों को मिली हुई थी। बर्थ प्रिविलेजेस कहने का मतलब है
कि बचपन से ही जन्म से ही उन्हें कुछ सुविधाएं मिली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी विवाद होने का, वह था कि टैक्स जो बढ़ाने की बात चल रही थी वो केवल थर्ड स्टेट को ही पे करना था, क्योंकि फ्रांस का रूल था कि थर्ड स्टेट्स के लोग ही केवल टैक्स पे करते हैं। इस सिचुएशंस के कारण ही जो है वो वहाँ पर विवाद शुरू हुआ।